जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हो आप सब? वर्ष 2017 आपके लिए कैसा रहा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को नया वर्ष 2018 की शुभकामनाएं देता हूं, और नव वर्ष 2018 हमारे जीवन में मंगलमय साबित हो, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। समस्त देशवासियों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि मैं पवन कुमार यादव, समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही, समाजवादी युवा महासंघ नाम का एक संगठन गठन करने जा रहा हूं, जिसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अभिनय सिंह, जो दुबई से बिलोंग करते हैं और इंडिया के ही मूल निवासी हैं, तथा राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रमोद यादव जी, एडवोकेट औरैया से कार्यरत हैं तथा कानपुर से बिलोंग करते हैं। हम तीनों मित्रों की आपस में बैठक के बाद तथा समस्त देशवासियों से राय मशवरा करने के बाद हम लोगों ने एक समाजवादी युवा महासंघ की गठन की योजना बनाई है, जो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के अन्य राज्यों में भी मजबूती का कार्य करेगी, जिसके तत्वाधान में मैंने छत्तीसगढ़ में पप्पू यादव जी को, मध्य प्रदेश में अमन यादव जी को और राजस्थान में, सॉरी आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, राजस्थान से अमन यादव जी और मध्य प्रदेश से राजकिशोर सिंह जी को मैंने प्रभारी के रूप में चुना है। ये सभी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तथा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि वह हमारी समाजवादी पार्टी को अपने अपने राज्यों में पूर्ण रूप से विकसित करेंगे तथा संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे। समाजवादी पार्टी में तो ऐसे कई सारे संगठन चल रहे हैं, जैसे युवक जन सभा, लोहिया वाहिनी, समाजवादी छात्र सभा, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, लेकिन ये सभी केवल उत्तर प्रदेश में ही सक्रिय हैं। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका हृदय से बहुत ही सम्मान करता हूँ, उनसे विनम्र पूर्वक कहना चाहता हूँ कि वह समाजवादी युवा महासंघ के लिए हमको सहयोग करें और हमको आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी समाजवादी पार्टी का गठन करूँगा। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कार्य कर रहा है, उसी प्रकार समाजवादी पार्टी में समाजवादी युवा महासंघ कार्य करेगा। समाजवादी युवा महासंघ उत्तर प्रदेश के अलावा सभी राज्यों में सक्रिय रहेगा। उत्तर प्रदेश का तो सर्वप्रथम कार्य है, और समाजवादी पार्टी में नए से नए लोग, अन्य समुदाय, हर प्रांत के लोगों को जोड़ा जाएगा, और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि समस्त देश में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। और हमारे प्रिय लोकप्रिय नेता, हृदय से आभार करता हूँ उनका, अखिलेश यादव जी को देश की सर्वप्रथम गद्दी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने के लिए कार्य करेगा। और मेरी तो यही शुभकामनाएं रही हैं शुरू से। माननीय नेताजी हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं, मैं इटावा से बिलोंग करता हूँ, ग्राम नंगला अलाई करहल क्रथुआ मैनपुरी, ये हमारा पैतृक गांव है, लेकिन हम प्रॉपर इटावा में कई सालों से रह रहे हैं। हमारे रिश्तेदार हैं माननीय नेताजी, लेकिन कभी हमारा ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हो पाया माननीय अखिलेश यादव जी से। बाकी उनके परिवार में लगभग सभी हमको जानते हैं, सभी से अच्छा उठना बैठना है, और हम चाहते हैं, मेरी हृदय से कामना रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी भारत के प्रधानमंत्री बने वर्ष 2019 के लिए। मैं ये समाजवादी युवा महासंघ का गठन करने जा रहा हूँ, और ये केवल 19 ही नहीं, अन्य 2022 और आने वाले भविष्य के सभी चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेगी। अभी फरवरी में इसका रजिस्ट्रेशन होना है, उससे पहले मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक मुलाकात करना चाहता हूँ। आप सभी भाइयों, जो जो समाजवादी युवा महासंघ में शामिल होना चाहते हैं, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर नाम, नंबर तथा पता जरूर भेजें। हालांकि हमको भारत के कई राज्यों से तथा उत्तर प्रदेश के बहुत सारे राज्यों से, हमको प्रदेश जिलों से हमको अच्छा रिस्पांस मिला है। माननीय विजय सिंह जी,
गोरखपुर से, मैं आपको कहाँ कहाँ गिनाऊँ, हर राज्य से, हर जिले से मुझे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। मैं तो केवल इतना ही चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको केवल आशीर्वाद प्रदान कर दें और मैं समाजवादी पार्टी को उच्चतम ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य कर सकूं। और जो जो समाजवादी भाई पद से विरक्त रह गए थे उनको हमसे कांटेक्ट करने के लिए आवश्यकता है और मैं उनको सभी को समाजवादी युवा महासंघ में पद से विभूषित करूंगा और समाजवादी पार्टी की कार्यकारी को और मजबूत करूंगा। समाजवादी युवा महासंघ भविष्य में समाजवादी पार्टी के लिए एक लोहा साबित होगा और समस्त दमखम से हम लोग कार्य करेंगे तथा समस्त भारत में समाजवादी पार्टी की गूंज हो, ऐसी मेरी कामना है। बस केवल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद चाहता हूँ, केवल आशीर्वाद के रूप में हमारे सिर पर हाथ रख दें, इतना ही मेरे लिए बहुत है। और समस्त देशवासी हमसे जुड़ें, मैं आश्वासन दिलाना चाह देता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, उनसे अच्छा इस समय भारत में कोई नेता नहीं है। उन्होंने जितना उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कार्य किया है, जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो उससे कई हजार गुना पूरे देश के लिए कार्य करेंगे। जो हमारे अन्य प्रदेशों से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में आके देखिए, उत्तर प्रदेश में वेबसाइट पर देखिए अखिलेश यादव जी ने क्या-क्या कार्य किए हैं। हम इसकी बहुत जल्द समाजवादी युवा महासंघ के नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे जिसमें हमारे सभी पदाधिकारी सक्रिय रूप से एक्टिव रहेंगे, जिसको हम जब भी चाहें देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी से भी किसी भी वक्त बात कर सकते हैं। और हर महीने हर हफ्ते जगह जगह जाके मीटिंग लेंगे और समाजवादी पार्टी को और मजबूत करेंगे। समाजवादी पार्टी कई नेता लोग भी हमारे साथ में आ रहे हैं, हमको बहुत खुशी है। मैं सबका हृदय से आभार करता हूँ, स्वागत है सभी लोगों का, आप लोग आएं और हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ये माननीय अध्यक्ष जी के पास भी ये वीडियो पहुँचे और उनको हमका आशीर्वाद प्रदान हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9759343408, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप जो भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो और अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक लाइक ठोकें, क्योंकि देश में अन्य पार्टियां जैसे भारतीय जनता पार्टी है देश को बांटने का कार्य कर रही है। हमने कभी नहीं सोचा, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे उस समय हम हिंदुस्तानी थे, आज हम बट गए हैं अलग अलग समुदाय में, अलग अलग धर्म में। हालांकि उस वक्त भी धर्म था लेकिन सभी एक होकर रहते थे। छत्रपति साहू जी महाराज के 21 सिपाही थे या 21 बॉडीगार्ड थे जिसमें से 13 अकेले मुस्लिम थे। मैं ये मुस्लिमों को बढ़ावा और ये सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, समस्त देशवासी आगे बढ़े, मैं किसी एक जात को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं खुद यादव हूँ लेकिन यादवों को ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले समस्त देशवासी हमारे भाई हैं। हमारे धर्म में कहा गया है कि हमारे वंश की उत्पत्ति, या आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम दो लोगों का जन्म दिया था, साम-वनु और शत्रुपा, उन्हीं की हम सब संतान हैं। तो फिर जब हम उन्हीं की संतान हैं तो फिर अन्न ये सब बटे कहाँ से, जब हम एक ही माता पिता की संतान हैं। तो इसलिए अन्न पार्टियां अन्न माध्यम से देश को बांटने का कार्य कर रही हैं। इन सब से बचें और समाजवादी पार्टी में सक्रिय रूप में आएं, इसके लिए हम आपका बहुत स्वागत करेंगे। और अन्य राज्यों में जितना अधिक समाजवादी पार्टी रहेगी मुझे हार्दिक खुशी रहेगी। आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूं, भारत के दो राज्य, तीन राज्य जो उत्तर प्रदेश को छोड़कर, मैं 6 महीने के अंदर समाजवादी पार्टी की कार्यकारी को तैयार करूंगा समाजवादी युवा महासंघ के नाम से, क्योंकि अब समाजवादी युवा महासंघ के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो समाजवादी युवा महासंघ के पदाधिकारी के रूप में ही सबको मैं कार्यगत करूंगा और समाजवादी पार्टी के प्रति सच्ची श्रद्धा से सब लोगों को जोड़ूंगा और सबको समाजवादी पार्टी ने किए गए कार्यों को, उनकी सरकार में जो जो कार्य हुए,
सबको मैं बताऊंगा। ईश्वर से यही कामना करता हूं कि अभी आपको मैंने आज एक न्यूज देखी, गुजरात में सीएम डिप्टी सीएम आपस में विवाद हो गया है, उनको मन के वो नहीं मिल रहे प्रभार। बताइए अभी तो क्या नाम 10 दिन भी नहीं हुए शपथ ग्रहण को, अभी से विवाद शुरू हो गया है। ये समाजवादी पार्टी का आगमन और भारतीय जनता पार्टी का पतन है, भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो चुका है। मैं हृदय से माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे अखिलेश यादव जी को भविष्य का बहुत बड़ा नेता बनाने के लिए कार्य किया है। ये उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है, उन्होंने अपना तुक्का फिट किया और क्या नाम किसी अनैतिक कार्यों से या झूठ बोलकर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटा दिया। लेकिन देश की जब जो चीज सत्ता में रहती है उसका हमेशा विरोध तो होता ही है। इस बात को तो मैं खुद ही कहता हूँ, जब अखिलेश यादव जी थे तो लोग उनके कार्यों को नहीं समझ रहे थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के हर राज्य में समाजवादी पार्टी के कार्य गूंज रहे हैं। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत भारी हार है। गुजरात चुनाव में देख लीजिए क्या हुआ, धोखे से जीती है। अगर सच्चाई से चुनाव हुए, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, जब भारत से ज्यादा विकसित देश हैं उनमें बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, भारत में भी होना चाहिए। भारत की जनता भी क्या नाम एक से एक टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन कोई भी कुछ भी कर सकता है कुछ भी। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग समाजवादी युवा महासंघ में अधिक से अधिक जुड़ें और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का कार्य करें। मुझे बहुत खुशी होगी, समाजवादी पार्टी में एक से एक अच्छे नेता हैं और हर जात को लेकर चलती है। आजम खान साहब मुस्लिम, पंखुड़ी पाठक ब्राह्मण, किस बिरादरी के नहीं है हमारी पार्टी में, लेकिन अन्य पार्टियों में तो केवल एक ही दो ही समुदायों को लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल देश को बांटने का कार्य कर रही है और समाजवादी पार्टी देश को जोड़ने का कार्य करेगी। आप लोग जुड़ें, बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। नववर्ष 2018 की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों मेरे, अधिक से अधिक इसको शेयर करना जिससे भारत की हर एक जनता तक ये मेरा मैसेज पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।